दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, घर के अंदर सीढ़ी जो बनाते हैं, सीढ़ियों के नीचे क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए और इसका क्या प्रभाव रहेगा आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं कि सीढ़ी के नीचे क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं, सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर लगा देते हैं या न्यूज़पेपर रख देते हैं, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो सीढ़ियों के नीचे डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों सीढ़ियों के नीचे वो चीज़ रखें जिसको हमको दबाना है, दोस्तों ग्रोथ ना करें ऐसी वस्तु आप सीढ़ी के नीचे रखें। उसके ऊपर से हम चढ़ करके जाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर से हम चढ़ के जाते हैं, यहाँ पर अगर आप स्टोर बना दें, बना रखे हैं या पहले से बना हुआ है या आपने बनाना है तो उसको आप साफ़ सुथरा रखें। अगर आपके घर में स्टोर का जगह नहीं है और सीढ़ी के नीचे स्टोर बनाना है तो आप स्टोर बना सकते हैं, लेकिन उसको साफ़ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। अगर उस स्टोर के अंदर एक छोटा सा बल्ब अगर आप लगा दें तो वो 0 वाट का, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और कल्याणकारी रहेगा दोस्तों, ताकि बल्ब लगाने से सीढ़ी के नीचे अगर स्टोर है और उसमें अगर आप बल्ब लगा देते हैं तो उससे आपका ग्रोथ होगा और आपको प्रोग्रेस होगा और आपको परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों सीढ़ी का मतलब क्या है, सीढ़ी का पर्पज़ क्या है, लाइफ में ऊपर जाना, अपने लाइफ में ऊपर जाना, प्रोग्रेस करना, सीढ़ी आपको लाइफ में ऊपर ले करके जाती है। तो दोस्तों अगर सीढ़ियों के नीचे बहुत ज़्यादा कचरा है तो आपके प्रोग्रेस में, आपके जीवन में प्रोग्रेस में वो हमेशा प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। अगर आप सीढ़ी के नीचे कचरा रखे हुए हैं और किसी भी तरह का कबाड़ रखा हुआ है तो आपके जीवन में प्रोग्रेस में वो प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा, कष्ट देगा, आपको संघर्ष कराएगा। दोस्तों सीढ़ियों के नीचे मंदिर और टॉयलेट तो बिल्कुल भी ना बनाएं। अगर आपके घर में सीढ़ी के नीचे मंदिर बना हुआ है जगह के अनुसार या टॉयलेट बना हुआ है तो आप मंदिर की दिशा चेंज कर दें, मंदिर को भी वहां से हटा दें और टॉयलेट बिल्कुल बंद कर दें। दोस्तों सीढ़ी के नीचे नहीं टॉयलेट होना चाहिए और नहीं मंदिर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों अगर आपके मकान के अंदर सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बना हुआ है तो आपके घर से रोग बीमारी नहीं निकलेगी, रोग बीमारी की अधिकता रहेगी। आप अपने सर्कल में प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सर्कल में किसी के घर में देख लीजिए, अगर सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बना हुआ है तो चाहे वो किसी भी रूप से डॉक्टर का चक्कर काट रहा होगा, दवाइयों के चक्कर में वो उलझा हुआ होगा, इसलिए कि न कोई बीमारी होगी न विशेष ज़्यादा समस्या होगा, लेकिन नित्य रोगी होता है, उसको दवाई और डॉक्टर का चक्कर काटना ही पड़ता है। तो दोस्तों सीढ़ी के नीचे टॉयलेट और मंदिर बिल्कुल भी ना बनाएं। दोस्तों यह वास्तु टिप्स आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राम।